हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गेमर सुगुरु पर। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि यार आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि यार आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूं माइनक्राफ्ट का पेड वर्जन, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो यार ये गेम जो है बिल्कुल ही माइनक्राफ्ट जैसा है, मतलब बिल्कुल ही। बस यार यहाँ पे खाना का बस थोड़ा बदलाव है बस, नहीं तो यार गेम फुल टू माइनक्राफ्ट है। आपको ग्राफिक्स भी बिल्कुल माइनक्राफ्ट जैसे ही मिलेंगे। और दोस्तों यहाँ पे इन लोगों ने हद कर दी यार, आपने जो वर्ल्ड माइनक्राफ्ट पे बनाए थे वो वर्ल्ड आपको इस गेम में देखने को मिल जाएंगे। तो यार है ना बहुत ही अजीब बात। तो यार इसी बात पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना, जिससे कि और भी लोग माइनक्राफ्ट को खेल सकें। अभी यार कुछ लोग होते हैं जो यार डाउनलोड तो करना चाहते हैं माइनक्राफ्ट को, बट यार क्रोम से डाउनलोड करने में उनको डर लगता है, इसलिए उसका मजा नहीं ले पाते। तो अभी यार प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कीजिए। तो यार इस गेम का नाम आप ही सोचिए क्या होगा। तो यार इस गेम का नाम है यार अर्थक्राफ्ट, मतलब यार ये माइनक्राफ्ट के ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगा। आपको प्ले स्टोर जाकर अर्थक्राफ्ट सर्च मारना है, आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हैं गेम बिल्कुल ही माइनक्राफ्ट जैसा है, मतलब यार देख सकते हैं सामने झोपड़ पट्टी बसी हुई है और ये री मुर्गी देखो माइनक्राफ्ट वाली, ये रहा मतलब बंदा यार। तो यार मैं माइनक्राफ्ट खेलना भूल गया हूँ, अब मैंने बहुत पहले खेला था यार, अब मेरे को नहीं याद है माइनक्राफ्ट कैसे खेलते हैं। तो ये देख रहे छत्ता वत्ता बनाया बढ़िया यार, बकायदा है यार सब कुछ यहाँ पे। तो देखते हैं कुछ निकालते हैं यहाँ पे, तो ये नहीं यार ये आला निकालते हैं, तीर चलाएंगे। तो यार थोड़ा यार अभी मज़ा लेते हैं यार, क्योंकि मैं चलाना नहीं आता अच्छे से वेल, अपना आराम से धीरे धीरे चलाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। एरो ऑफ हीलिंग, अच्छा ये हील करने वाला एरो है। तो यार अभी यहाँ पे यार थोड़ा सा लोडिंग ले लिया इनने, थोड़ा गड़बड़ हो गया था यहाँ पे। तो ये यहाँ पे यार कोई मिले, कोई मिल गया, मेरे को तीर चलाना भी नहीं आता। संतरी संतरी क्या सामने तो मैगमा वगमा होगा, तो तीर कैसे चलता है यार, तीर मेरे को चलाना नहीं आता। वैसे मैं चलाता था हर गेम में यार, अभी मैं भूल गया हूँ। यार चलेगा तो है ही तीर, ऐसी तो बात नहीं है कि चलेगा नहीं, चलना तो उसे पड़ेगा ही। चल तीर चल, तो यार चलता ही नहीं यार, इसका क्या हो गया पता नहीं। चल खच, ओ भाई चल गया यार, देख सकते हैं माइनक्राफ्ट की तरह ही तीर वीर वगैरह सब है यार दोस्तों, मतलब माइनक्राफ्ट का कॉपी है। अभी आप लोग सोच रहे होगे मेरी तो मजे आ गई, अब यार आप लोग भी जाओ ये माइनक्राफ्ट को डाउनलोड कीजिए, वो भी फ्री में। और तो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, आगे हम आपको बताएंगे कि यार यहाँ पे यार ये देखो ये बड़ा बड़ा क्या है यार। अच्छा ये भी तो था माइनक्राफ्ट पर, लोग बनाते थे, देखो बिल्ली भी आ गई, ये सेम टू सेम बिल्ली थी यार माइनक्राफ्ट पे। और यहाँ पे जो थे क्या कहते हैं ये हमारे तीर थका थक चल रहे हैं विदाउट एनी ब्रेकिंग। यार अभी यार ये गाय पे तीर क्यों नहीं चलता यार, ये पट से यार तीर हम नहीं चलाएंगे, हमारे तीर से हालत ख़राब हो गई। देखो उसने खींच के रखा है तीर, बस उसे छोड़ना बाकी है बस उसका। और यहाँ पे ये बहुत अच्छा लग रहा है डिब्बा मेरे को, मतलब यार ये बॉक्स मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। बुक कहाँ है, अच्छा ये अच्छा पिस्टन हम इसको टैप करें तो हमें दिखा रहा है, तो कोई बात नहीं अभी हम आगे जारी रखते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। यार भाई लोग अभी देखते हैं आगे गेम प्ले कैसा होने वाला है। मुझे पता है आपको मेरी आवाज़ एकदम एको लग रही होगी, बट यार कोई बात नहीं, आवाज़ में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आगे। तो यार ये बहुत सारी चीज़ें यार अजीब अजीब तरह की हैं, बट मेरे को कोई शक नहीं है कि ये गेम माइनक्राफ्ट जैसा है, बट कुछ चीज़ें शायद इसमें गोल हैं जो कि माइनक्राफ्ट में थी, जैसे कि यार डायमंड मेरे को अब तक इसमें देखने को नहीं मिला है। आप लोगों को अगर खेलते समय देखने को मिलता है तो यार मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा क्या फिर वो कौन से बॉक्स में मिलता है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4 या नंबर 5 में, तो हमारा ही सामान रहता है। बट नहीं तो मेरे को सर्वाइवर खेलना पड़ेगा, खोद खोद कर निकालना पड़ेगा डायमंड। अच्छा ये रे अंडे, तो दोस्तों आपको पता ही नहीं अंडों से आखिर होता क्या है, होता है चमत्कार, जो कि अभी हम आपको करके दिखाने वाले हैं। तो यार चलते हैं चमत्कार दिखाने के लिए आपको यहाँ पे, बढ़िया यार खुला उल्ला मैदान ढूंढते हैं तभी चमत्कार दिखाएंगे। अब यार ये तीर धगा धक चल रहे हैं, तो यार ये रहा स्पॉन, ये देखो इससे हम मकड़ी बुला सकते हैं। यार इसमें माइनक्राफ्ट की जो मकड़ी होती है उसका रंग अलग होता है, पूरा काला होता है। चलो थोड़ा बहुत बदलाव है इस गेम में माइनक्राफ्ट से। और यार यहाँ पे ये देखो कैसा भूत बुलाया है हमने, ये भूत पाजी अपने आ गए हैं। तो यार अब यार कोई बढ़िया सा अंडा निकालते हैं जो कि बहुत ही अच्छा हो। तो यार यहाँ पे जो दीवारें वगैरह हैं वो भी बहुत सी हैं। और तो यहाँ पे ब्रिक क्या था यार, इसका मैंने नाम नहीं पढ़ा, बट कोई बात नहीं। अरे यार ये हमने ईंटा पत्थर यहाँ पे जुटा लिया है घर बनाने के लिए, अच्छा ये ईंटा पत्थर हमारा।
पट 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 घर बना सकते हैं सब बहुत जल्दी बहुत फास्टली। तर उसे देखो, वो देखो कैसे झूम रहा है, उसको हमें मारना पड़ेगा जाके, क्योंकि यार घर बनाएंगे तो अगर हमें सर्वाइवल में रहना पड़ेगा, और यार इसको हमें मारना ही पड़ेगा, नहीं मारेंगे तो कैसे चलेगा। तो यार यहाँ पे ये देखो हमारा घर कितना लंबा चौड़ा हम तैयार कर रहे हैं। तो यार घर हम इस वीडियो में नहीं बनाने वाले, पहले मैं आपको बता दूँ, पहले हम इस महान दैत्य राक्षस को ख़त्म करेंगे। देखो कैसे इसको तोड़ता जा रहा है, आगे के विलेज ख़त्म करता जाएगा। तो मुझे लगता है ऐसे तो मरने वाला नहीं, क्योंकि हम क्रिएटिव खेल रहे हैं, इसके लिए हमें सर्वाइवल खेलना पड़ेगा। तो रुको भाई जी, अभी हम खेलते हैं बढ़िया सर्वाइवल। पहले भाई हमें डायमंड शॉर्ट निकालने दो। अब यार हमें डायमंड वाले कपड़े निकालने दो, ये डायमंड आर्मर निकालो भाई जल्दी से, तो हम इसको मारेंगे बहुत अच्छे से, घूरेंगे प्रसाद ही देंगे हम इसको प्रसाद। आखिर यार महाशिवरात्रि का प्रसाद देना इसको बाकी है, आज हम इसको प्रसाद दे देंगे भर के। तो यार चलो चलते हैं। अभी यार वो नहीं मिला, शील्ड नहीं है इसमें, लगता है ये भी बात अलग है हम सबसे। तो कोई बात नहीं, तो यार यहाँ पे फिर से एक बार गड़बड़ हो गई थी, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे ये जो है ये कहाँ है, ये रहा। तो यार हमको इसकी सेटिंग बदलनी पड़ेगी, तो एक सेकंड रुको, अभी यहाँ पे सेटिंग पे जाते हैं, इसको सर्वाइवल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सर्वाइवल हो गया, अभी चलो चलते हैं, अभी मार के दिखाते हैं इसको हम। अरे देखो अभी आएगा हमारे पास ये। यार ये तलवार कैसे चलती, चल नहीं रही। अच्छा चलती है यार, चलती तो है यार, चल नहीं रही तलवार, चल क्यों नहीं रही मेरे से। अरे यार मैं तलवार चलाना भूल गया, मैंने आप लोगों को बताया था यार कि मेरे को माइनक्राफ्ट खेले हुए बहुत दिन हो गए, यार कैसी अनहोनी हो गई मेरे साथ, बट कोई बात नहीं मैं तलवार तो चलाऊंगा ही। अरे यार वो देखो कैसे उड़ रहे हैं ड्रैगन वाले। हाँ अब मेरे को यार कब सीखूंगा तलवार चलाना यार, भारी बेइज्जती करा लिया मैंने वीडियो में। तो अब मैं बताता हूँ इसको, मेरे को आगे तलवार चलाना। ये उछलता क्यों है यार इतना ये, हाँ ये बात। अरे यार भाई साहब ये इतने सारे कैसे हो गए, मेरे को कुछ पता ही नहीं। आखिर ये मैंने एक को मारा तो 10 कहाँ से आ गए। तो लो मैं सबको मार दूँगा, आओ, क्योंकि मेरे पास है डायमंड कवच, डायमंड का सब कुछ। तुम्हारे पापा जी ने भी कभी डायमंड नहीं देखा होगा, मेरे पास डायमंड ही डायमंड है। आओ यार ये तो 7-8 हो गए यार, ये तो बहुत विशाल का है राक्षस, बहुत ही छोटे छोटे नन्हे नन्हे आ गए। अभी यहीं पे हम सर्वाइवल खेलते रहे, ज़ॉम्बी देखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और उनको मारने के लिए भी। तो डायमंड वैसे तो मिल जाता है इजीली माइनक्राफ्ट में भी, सर्वाइवल मोड में भी। तो यार यहाँ पे हम सर्वाइवल खेल रहे हैं, इसमें हमारा लेवल 2 है। तो यार चलते हैं यहाँ के। तो वो रहा एक और राक्षस, छोटा सा चुन्नू मुन्नू बाकी रह गया है, कूद रहा है वहाँ पे। चुन्नू मुन्नू राक्षस ले और कूद। अब नहीं कूदेंगे भाई साहब, इनके पापा भी नहीं कूदेंगे कभी जिंदगी में। अरे यार एक ये रखा है, ये क्या है, ड्रैगन है। अच्छा यार ये तोता है, अरे मार दिया मैंने गलती से, यार ये तोता था। देखो इसको हम छेड़ते हैं पहले इसको। अरे यार अरे इधर सारे ले। ओ भाई साहब ये हमको ही उड़ा उड़ा के मार रहा है भाई लोग, बहुत कम एचपी हो गए, जल्दी से भागना पड़ेगा। तो यार जल्दी से भागते हैं हम, नहीं यार हमारी आज ये टाई टाई फिस कर देगा, हमको मम्मी याद दिला देगा। और एक बार अगर हमें मम्मी याद आ गई यार तो हम रोने लगते हैं। यार यहाँ पे ये आ रहा है, भागो रे। मैं काम करता हूँ उसके लिए, जल्दी से दीवार बना देता हूँ, फिर ये दीवार से नहीं आएगा। ब्लू आइज, अरे यार ये इसकी तो हाथ होगी, मतलब यार तो चढ़ के आ रहा है, अब मारेगा भाई। देखो यार उड़ा उड़ा के मार रहा है मेरे को, बहुत जल्दी भागना पड़ेगा नहीं तो यार आज मेरी टाटा फेस कर देगा ये। लेकिन दोस्तों देखो आपके गेमर से गुरु पास बहुत दिमाग है, आपका गेमर से गुरु ये ख़त्म करके ही रहेगा। तो कर लिया हमने क्रिएटिव, कहाँ है वो। अरे यार रुक 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 तेरी मम्मी की, ले ले। अरे यार बोले तो ये बहुत ही हरामी राक्षस है, इसको हम मारने वाले हैं। तो यार देखो हमने पका दिया इसका मीट, क्या दे रहे हो भैया जी हमें तुम, हम आराम से सर्वाइवल खेल सकते हैं। मतलब यार के भाई का दिमाग ही ऊपरी लेवल है, मतलब मानते हैं यार कि हमें अचीवमेंट नहीं मिलेगी, बट यार कभी खुद यार ऐसे मर जाएंगे इतने कम लेवल पे तो यार कैसे चलेगा, मतलब इतने लेवल पे मर जाएंगे तो कैसे चलेगा, इसीलिए हमें करना ही पड़ा। तो दोस्तों अब जो हम अगली वीडियो मिलने वाले हैं, अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा तो आपको दिल से धन्यवाद है। एक बार फिर से मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय। और यार गेम का नाम है अर्थक्राफ्ट,
आप जाके प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, गेम फोटो माइनक्राफ्ट जैसा है। तो यार अभी हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो यार ये ब्लू आइस बहुत ही अच्छी है। हाँ यार आइस का कलर ब्लू कर दिया इन लोगों ने, बट कोई बात नहीं, हमको तो आ रहे हैं मजे हैं। मुझे पता है दोस्तों आप लोगों को एको लग रहा होगा मेरी आवाज़ में, अगर नहीं लग रहा तो अच्छा ही है, अगर लग रहा है फिर भी यार अच्छा ही है, क्या कर सकते हैं अभी हम लोग, क्योंकि यार हम लोग बैठे हैं यार एकदम सुनसान जगह पे। यार ये आइस तोड़ने में बहुत टाइम लग रहा है यार, ये टूट गया। चलो यार अभी अभी ये क्या हो गया यार, मैंने हटा दिया तो यार, तो चलो अच्छा जल्दी से टूट गया अभी, अब जल्दी से अच्छे से आइस लगाऊंगा मैं। ये रहा भाई साहब मेरा आइस फ्लोर तैयार हो गया। अरे यार ये सूरज डूब रहा है, आज हम इस सूरज को पकड़ेंगे, आज हम इसको डूबने से रोकेंगे। पहले क्रिएटिव करते हैं भाई, हमने इसमें 4-5 बार क्रिएटिव टू सर्वाइवल किया है, आज हम सूरज चाचू को रोक लेंगे। रुको सूरज डूबो मत। यार सूरज पहले मेरा एक दोस्त था यार, वो नहीं डूबता था यार, ये कैसे डूब रहे हैं, मतलब यार ये गेम कहाँ तक एंड होगा यार, मेरे को समझ नहीं। मतलब यार हमने इन्फिनिट कर दिया तो क्या वर्ल्ड दिखाते रहे, ओ भाई चमत्कार हो गया, ये कैसे मतलब यार ये हवा में कैसे लटकी हुई है जमीन। एक सेकंड ये सामने देख रहे हैं हरा लैंड, ये कैसे हवा में लटका हुआ है, और इसके साइड में देखो ये पहाड़ कितना बड़ा है, ये भी हवा में लटका हुआ है। आपको इसका फुल टू व्यू दिखाते हैं, देख रहे हो कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है भाई साहब, मतलब हवा में यार कौन सी अजीब शक्तियाँ इनको रोक रखी हैं। सलाम है यार ऐसा गेम बनाने वालों को, तो देख रहे हो दोस्तों, सोच देखो इनकी कितनी ओपी लेवल की है, कोई संदेह ही नहीं है। यहीं पे हम अपना घर बनाएंगे यार, हमको प्लेस मिल गया, आप लोग भी आ जाना हमारा घर घूमने आना हो तो, ठीक है भाई लोग। देख सकते हैं कितनी ओपी लेवल की सोच है इन गेम वालों की, नज़ारा भी बहुत अच्छा है, एक तरफ सूरज डूब रहा है तो एक तरफ चांद उग रहा है। तो चलो यार जल्दी से पहले बेड लगा के सुबह कर देते हैं, फिर आपको टाटा बाय बाय बोलेंगे। ये रहा भैया जी बेड, बेड लग। तो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा तो जल्द से धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, सी यू, एक बार फिर से मिलेंगे हम अगली वीडियो में।